Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. जो कि हाइट्रॉन्स की वैल्यूज किसी और तरह से आनी चाहिए वो उनको उसी तरह रिसीव हो रही थी, which was very interesting for him. और वो और यूजीन जो कि इसके co-author हैं, then they started working on it. The second chapter looks at the brain machinery, the science of perception. यहाँ पे philosophically बिल्कुल mention नहीं किया गया, but Berkeley came out to be very true. ऐसे ऐसे percepe. To be is to be perceived. मुकम्मल कायनात फकत मेरे ज़हन में मौजूद है. है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, अब हमने दश्तेम का कोई नक्शे पापा है. तो पूरी कायनात फकत ज़हन में मौजूद है. मतलब कि the ultimate reality is not made outside my brain. ये बहुत अहम पॉइंट है. और जहाँ तक मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं अमूमन खुद भी अपने आप को बहुत आइडलिस्ट या इंटरप्रेटिविस्ट जानता हूँ. यकीनन खारजी दुनिया मौजूद है, द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाहर एक कायनात है, मगर उसके बारे में मैं जितना कुछ भी जानता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे न्यूरॉन सिग्नल से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो मेरे जहन में जाके इमेजरी पैदा कर रहे होते हैं. सो दूसरा चैप्टर उसकी ब्रेन इमेजरी को देख रहा होता है. थर्ड में ब्रेन आर्किटेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे. हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रैक, आतिफ असलम किनारा बाल फरजाना. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन. एंड जाहिद ने मेरा हौसला ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को कभी परेशान नहीं देखा. मीन जाहिद क्या बताएगा, सहरी बात है. बहुत बड़ा मैं बहुत इबादत गुजार है, अल्लाह अल्लाह करता है, पांच वक्त का नमाजी है, मगर वैसे करनी के सवाल ने. और देखें सवाल करने कौन गए, हजरत उमर रजी तआला ने, साथ हजरत अली रजी तआला ने जब उनके पास गए तो उन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा था कि आप सब ने रसूल को, आप लोगों ने रसूल को कब देखा है, क्योंकि वैसे करनी ने तो कभी नहीं देखा था. और वो लगन इतनी ज्यादा थी, एक तरफ माँ का प्यार और उन्हीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कि माँ नफली इबादत के दौरान भी आवाज दे तो मोड़ कर जी कह देना. उसी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो कि अपनी हिजरत से पहले ही वेंट टू हिज मदर्स ग्रेव. और वो बात वैसे करने के जहन में थी. और वो कभी माँ को छोड़ के सफर शुरू करते थे, और कभी माँ की याद और कभी रसूल की याद. तो जाहिद ने मेरा हौसला ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को कभी परेशान नहीं देखा.